मित्रों, जिसका जन्म हुआ है उसे एक दिन मरना तो है ही, यह संसार का अटल नियम है। प्रायः हम सभी के मन में यह सवाल उठता रहता है कि आखिर मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में से गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु बहुत से लोग धर्म ग्रंथों को नहीं मानते। उनके अनुसार यह सब मनगढ़ंत कल्पना है। ऐसे में हमारे सामने यह सवाल उठता है कि हम धर्म ग्रंथों की माने या उन लोगों की माने जो धर्म ग्रंथों को कल्पना मानते हैं। पिछले वीडियोस में हम वैकुंठ लोक की दूरी वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा बता चुके हैं, और साथ ही यह भी बता चुके हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को किस समुद्र में छिपाया था। धर्म ग्रंथों में लिखी यह बातें वैज्ञानिक रिसर्च में भी साबित हो चुकी है। यही कारण है कि ज्यादातर वैज्ञानिक अब हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हर एक बात को सच मानने लगे और रिसर्च भी कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम यमलोक के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेंद्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वासांस जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृहणाति नोरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मित्रों, मृत्यु तो एक न एक दिन सबकी होनी है, क्योंकि इस धरा पर वह लोग भी जीवित नहीं रह सके जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। इन लोगों में भीष्म पितामह, जटायु, रावण, हिरण्यकश्यपु, भस्मासुर आदि अनेक लोग हुए जिन्हें प्रायः अमर होने के समकक्ष वरदान था, फिर भी वह अपनी मृत्यु को टाल नहीं सके। दुनिया के सभी धर्म एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि मरने के बाद आत्मा शरीर से निकल जाती है और वह सूक्ष्म जगत में जाती है। प्राचीन काल में ऐसे बहुत से तपस्वी हुए हैं जिन्होंने अपने योग बल से इस रहस्य को जाना है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवात्म के तीन शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर जो प्रकृति के पांच तत्वों से निर्मित होता है और इसी शरीर की मृत्यु होती है। दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसे वैज्ञानिक भाषा में एंटीबॉडी कहा जाता है, यह हमारे शरीर का इंजीनियर भी होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण तथा बीमारियों से लड़ने की क्षमता यही शरीर उत्पन्न करता है। और तीसरा आत्म शरीर होता है जो अत्यंत सूक्ष्म होता है। प्रायः जब किसी की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर त्याग कर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा यमलोक की यात्रा करती है। यदि गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,000 योजन बताई गई है। इसमें यदि वैतरणी नदी की 100 योजन चौड़ाई भी जोड़ दें तो यह दूरी 86,100 योजन होगी, जिसमें एक योजन बराबर 13 किलोमीटर होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी पृथ्वी से 12,87,1300 किलोमीटर है। मित्रों, यह दूरी जीवात्मा द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। आगे आपको इसे वैज्ञानिक रूप से भी बताएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के यमदूत जीवात्मा के दो मुहूर्त यानी 24 घंटे के अंदर यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं। वहाँ उसके कर्मों का हिसाब किताब होने के बाद यमदूत वापस घर ले आते हैं। घर लौटने पर जीवात्मा पुनः शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रहते हैं। उस समय वह भूख और प्यास से दुखित होकर रोने लगता है। उस समय वह अपने जीवन काल में दिए गए दान को प्राप्त करता है, साथ ही पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड प्राप्त करता है। फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है, क्योंकि 10 दिन तक दिए गए प्रत्येक पिंड के चार भाग हो जाते हैं, जिसमें दो भाग पंच महाभूत तथा एक भाग यमदूत ले लेते हैं, चौथा भाग जीवात्मा को प्राप्त होता है। इस तरह 10 दिन बीत जाने पर एक हाथ प्रमाण सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। 13वीं का भोजन करके वह जीवात्मा अकेले ही पैदल यमलोक की यात्रा शुरू करता है। यह जीवात्मा 24 घंटे में 247 योजन अर्थात 3211 किलोमीटर चलता है। रास्ते में उसे 16 गाँव पार करने होते हैं, जो कि है सौम्यपुर, सौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, कौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापदपुर, दुखदपुर, नानाकुंदपुर, सुतप्तपुर, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ़पुर और बहुभीतिपुर। इन सभी को पार करके ही वह यमपुरी में धर्मराज भवन को जाता है। गरुड़ पुराण में रास्ते का वर्णन बहुत भयानक है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक जाते समय रास्ते में ना तो वृक्षों की छाया है और ना ही खान पान की कोई वस्तु। अत्यंत प्यास लगने पर जल भी प्राप्त नहीं होता। उस समय प्रलय काल की तरह 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग में कहीं पर कांटे हैं
तो कहीं पर गर्म रेत, कहीं पर बिच्छू काटते हैं तो कहीं अग्नि जलाती। यह मार्ग का वर्णन इतना भयानक है कि सुनकर हृदय कांप जाता है। पुण्यात्मा मनुष्य के लिए यह मार्ग सुखदाई तथा पापी के लिए अत्यंत दुखदाई है। रास्ते में असिपत्र नामक वन है। यह वन कौओं, उल्लुओं, गिद्धों, मच्छरों आदि से भरा हुआ है। इस वन में भयंकर दावाग्नि है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव कई जगह से घायल हो जाता है। कहीं पर अंधे कुएं में गिरता है तो कहीं पर्वत से गिरता है। कहीं पर वन में रहने वाले जीव उसे काटते हैं तो कहीं जोंक से भरे हुए कीचड़ में गिरता है। इस तरह चलते चलते आधे रास्ते में वैतरणी नदी आती है, जिसकी चौड़ाई 100 योजन अर्थात 1300 किलोमीटर के बराबर है। यह नदी रुधिर व मवास से बहने वाली नदी है, जिसमें विशालकाय घड़ियाल रहते हैं। पापी मनुष्यों को देखकर यह नदी कड़ाही के तेल की भांति खोलने लगती है, जिसे देखकर प्राणी अत्यंत भयभीत होता है। तब यमदूत कहते हैं कि यदि तुमने पुण्य किया है तो नाव तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार पुण्य कार्य करने वाला नाव पाकर नदी पार कर जाता है, परंतु पापी जीव डूबने लगता है। तब यमदूत उसे जंजीर में बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। उस समय जीव अपने किए हुए दुष्कर्मों का स्मरण करते हुए अत्यंत ग्लानि महसूस करता है। इस तरह गरुड़ पुराण में वर्णित यम मार्ग का वर्णन बहुत भयानक है, जिसे सुनकर ही आत्मा कांप जाती है। अब इसे वैज्ञानिक दृष्टि से जानते हैं। मित्रों, जो पुण्यात्मा होते हैं वह उत्तर की ओर अर्थात ध्रुव लोक की ओर यात्रा करते हैं, तथा पापी जीव दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। सन 2012 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने वैतरणी नदी की रिसर्च शुरू की। उन्होंने अंतरिक्ष यान तथा हबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा 13 जुलाई 2015 को इसे खोज निकाला, जो पृथ्वी से 6,32,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि गरुड़ पुराण में बताई दूरी बिल्कुल इसके बराबर है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम प्लूटो वी रखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह देखने में चंद्रमा जैसी है, परंतु यहाँ का भौगोलिक वातावरण बिल्कुल गरुड़ पुराण में वर्णित वैतरणी नदी की तरह है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सतह लाल रंग की है, जो पिघले हुए द्रव्य की तरह है, जिसे वह धोलिन नामक पदार्थ बताते हैं। यह पदार्थ मीथेन तथा इथेन के कणुओं से बना है, कभी कभी नाइट्रोजन के साथ संयुक्त होता है और पराबैंगनी प्रकाश के निरंतर संपर्क से लाल रक्त की तरह दिखता है। यहाँ पर मीथेन की भयानक बदबू पूरे ग्रह पर विद्यमान है। यहाँ पर कुछ सतह भुरभुरी बर्फ वाली है तथा इसके नीचे चट्टाने हैं। भुरभुरी बर्फ को चारोन नाम दिया गया है। यह चारोन नाम पाताल के ग्रीक किंवदंतियों से मेल खाता है। ग्रीक ग्रंथों के अनुसार एक नाविक को स्टाइलक्स नदी पर मृतक की आत्माओं को फेरी लगाने भेजा गया था, जिसने अपनी पत्नी जिसका नाम चारोन था उसको दुनिया के लिए संदर्भित किया। स्टाइलक्स ग्रह को 2012 में खोजा गया, क्योंकि उस समय खगोलविद हबल टेलीस्कोप का उपयोग प्लूटो के चारों ओर चंद्रमाओं और रिंगों की प्रणाली की खोज के लिए कर रहे थे। यह एक लंबी आकृति वाला ग्रह है। जब खगोलविदों ने इसे चंद्रमा का नाम देना चाहा, तो उन्होंने शास्त्रीय पौराणिक कथा को देखा। वैतरणी नदी वह है जिसे मृत आत्माएं यमलोक जाने के लिए पार करती हैं। ऐसा ही वर्णन ग्रीक ग्रंथों में भी मिलता है, जिनमें निक्स नामक अंधेरे की देवी है। हाइड्रा ग्रीक के नायक हेराक्लस के साथ युद्ध करने वाला कई फन वाला नाग है। इस तरह प्लूटो के चारों ओर चंद्रमा ग्रीक ग्रंथों तथा गरुड़ पुराण से मेल खाते हैं। यहाँ का वातावरण ठीक वैसा ही है जैसा कई धर्म ग्रंथों में वर्णन। तो मित्रों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।